तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक जो कि इंडियन बैंक हो चुका है उससे आपको पता करना आईएफएससी कोड नया वाला आईएफएससी कोड कैसे जानना। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक डालने के बाद ये साइट खुलेगा कुछ इस प्रकार का, इंडियन बैंक, जो कि ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नो योर आईएफएससी एंड एमआईआरसी कोड इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ब्रांच कोड से भी, ब्रांच नेम से भी और ओल्ड आईएफएससी कोड से भी पता कर सकते हैं। तो सबसे मुझे ओल्ड आईएफएससी कोड से जानना है, तो जैसे यहाँ पर डाल देते हैं मैं अपना आईएफएससी कोड। यहाँ पर ओल्ड आईएफएससी कोड डालेंगे तो सबमिट करेंगे, देखिए हमारा जो कछवा बाजार है, देखिए नया आईएफएससी कोड आ गया। ये हमारा नया आईएफएससी कोड है, ये एमआईआरसी कोड है और ये पुराना सीबीएस ब्रांच कोड था। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसे तो नया आईएफएससी कोड का पता चल गया, ब्रांच नेम से पता करेंगे। तो ब्रांच नेम पे जाने के बाद यहाँ पर ब्रांच नेम डालना है। ब्रांच नेम जैसे मैं देखिए डाल देता हूँ कछवा बाजार, तो देखिए मेरा आ गया कछवा बाजार। आप जिस भी ब्रांच का नाम डालेंगे उसका उस ब्रांच का कोड आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग के लिए मैं वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बोलना।